નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે નવું બીજું સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે તો અત્યારે આપણું તેરમું કાવ્ય જે છે નીતિ કે દોહે એના કવિ છે રહીમ એમનો જન્મ છે લગભગ પંદરસો ને ત્રેપન એનું નિધન છે સન ઉન્નિસો સન સો સોળા છવ્વીસ रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था उनके पिता का नाम है बेरम बरबा बे मरबा था जो अकबर के अभिभावक है जो अकबर के अभिभावक थे रहीम अकबर के के नवरत्नों में से एक थे रहीम की काव्य क्षमता और बुद्धि क्षमता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था रहीम संस्कृत अरबी पारसी के विद्रांत थे दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सच सही में व्यक्त किया है प्रथम दोहे में परहित को भावना दूसरे दोहे में सही संबंध की संबंध की रीत और सच्चा प्यार तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व और चौथे दोहे में सही दीन बंधु को बात की गई है और पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है और छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति को प्रवृत्ति और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए इस बात को उद्धृत किया है अब हमने कवि के का हमने परिचय कर दिया है हम उसकी काव्य समझूती भी जो देख लेते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पित ही न पान कही रही पर काज हे सम्पति ही सुजान तरुवर यानी कि एक वृक्ष पेड़ और सरोवर यानी कि सरोवर तालाब पान यानी कि पानी परकाश यानि परोपकार दूसरों की भलाई और सुच ही यानि कि संग्रह करते हैं सुजान इतले यानी कि सज्जन बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष मतलब कि तो इनका हम रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी नहीं पीते इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं समझ में आया विद्यार्थी मित्रों रंजी क्या कहते हैं कि पेड़ जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं सरोवर जो है वो अपना पानी नहीं पीते हैं इसी प्रकार जो गाने कुरुष होते हैं, वो परोपकार के लिए धन संपत्ति का संग्रह करते हैं कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रोएत विपत्ति कसोटी जे कसे साचे मीत अब सगे सगे का मतलब क्या होता है अपने रिश्तेदार बहु यानी कि बहुत रीत यानी कि प्रकार विपत्ति यानी कि बुरा समय कसोटी यानी कि सच्चे जूठी की जो पहचान करने वाली परीक्षा होती है वो और तेई तेई यानी कि वेई मिथ यानी कि मित्र समझ में आया तो यहीम जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं लेकिन सच्चे मित्र तो वही है जो विपत्ति के समय साथ देते हैं समझ में आया रहीम जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तर तर तरह तरह के तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं इसे रिश्ता जोड़ लेते हैं लेकिन सच्चे मित्र जो वो है जो विपत्ति के समय उनका साथ देते हैं अब तीसरी रहीम देखी बड़े रहीम रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी बड़े बडेन यानी कि बड़ों को लघु यानी कि छोटा जो छोटे होते हैं वो डारी यानी यान यान कि छोड़ना कहा यानी कि क्या तरवारी यानी कि तलवार तो रही जी या कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है ये कहते हैं दीन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोश जो रही लखे दीन बंधु समझ हो दीन यानी कि गरीब असहाय लखच है यानी कि देखते हैं कोई यानी कि कोई दीन बंधु यानी कि भगवान दीन बंधु को यानी कि क्या कहते हैं भगवान तो रहीम जी क्या कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको नजरों से देखते हैं प्रेम जी क्या कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको यानी कि आशा भरी नज़रों से देखते हैं पर उनकी ओर कोई नहीं देखता उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता जो असहाय और गरीब पर दृष्टि करता है वह सब वो सचमुच भगवान के समान होता है ये कहते हैं। अब पांचवाया खीरा को मोह काठी के मलियत नोन लगाए रहीमन करुण मुखन की चहिये दही सजाए। अब क्या कहते हैं खीरा यानि कि एक तरफ़ की ककड़ी जो होती है वो मलियत यानि कि मलत है नोन यानि कि नमक करुण यानि कि कड़वे सजा यानि कि सजा सजा यानि कि सजा तो यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर यानी कि ऊपरा जो भाग है वो काट कर अलग कर देना चाहिए फिर उसके कटे भाग पर नमक उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए इस अपराध का यही दंड है समझ में आया विद्यार्थी मित्रों तब तो आगे हम देखते हैं छट्टा वाला छट्टा वाला जे जो रहीम उत्तम प्रकृति जो रहीम उत्तम यानी थी कि श्रेष्ठ उत्तम प्रकृति उत्तम यानि कि श्रेष्ठ का करी सकत कुसंग का करी सकत यानी कुछ न कर सकता है कुसंग यानी कि बुरे लोगों का साथ बुरे लोगों का साथ चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहुजंग भुजंग यानी कि साप तो क्या कवि कहते हैं कि कवि ये कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले साहब चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है ये कहते हैं जो रेमन उत्तम ये हो गया छोटे वाला बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो न कोई। को, कि कोई रेमन बिगर दूध को मथे न माखन हो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि बिगड़ी जो बात बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती जब बात बिगड़ती है तब आप, आप, आप इतना भी प्रयत्न क्यों ना कर लो लेकिन वो बात नहीं बनती है उसमें सुधार आता नहीं है ठीक उसी तरह जैसे कि कटे दूध में जमाए हो गई दही को कितना ही मथा गए मथा जाए उसमें उस मक्खन नहीं निकलता समझ में आया रहीमन विपदा दू भले जो थोड़े दिन होते अनहित या जगत में जानी परस सब कोई यहाँ पर रैन जी ये कहते हैं कि यदि आप आ, यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छी क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है समझ में आया रेमन वेनर मर चुके तेरे कऊ मागन जाए उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नी ये कहते हैं कि वे मनुष्य को वे मनुष्य तो जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो तो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं परंतु तो उनमें उनसे भी पहले पहले वे मर जाए वर गए तो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं परंतु तो उनके उनके भी उनसे पहले भी वह मर गए जिनके मुझसे मुख से नहीं शब्द निकलता जो मांगने वाला को देने से इनकार कर देते है समझ में आया प्रेम जी क्या कहते हैं कि वे मनुष्य जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं तो यहाँ पर, यहाँ पर हमने ये दोहे की समझौती जो है वो हमने समझ ली है अब यहाँ पर है शब्दार्थ तो देख लेते हैं शब्दार्थ तरोवर यानी कि वृक्ष परका यानी कि दूसरों के काम विपत्ति यानी कि आपत्ति मिथ यानी कि प्यारा लघु यानी कि छोटा तरवार यानी कि तलवार दिन यानी कि गरीब सम यानी कि समान खीस यानी कि ककड़ी करुण यानी कि करुण भुजंग यानी कि साफ बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई थोरे थोड़े यानी कि थोड़े निक्सत यानी कि निकलना तो ये आपको शब्द जो है वो आप अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये दोहे भी अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर के स्वाध्याय में रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है कि उसे दूसरों का भला किया जा सकता है छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए कि छोटों का जैसा इसलिए नहीं करना चाहिए जो काम जो काम भी करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते सुई का काम कौन नहीं कर सकता है तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है तो उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण है कि बुराई के बीच रखकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती शीशे क्यों नहीं चाहिए से क्यों नहीं चाहिए क्योंकि प्रश्न का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता अतः तो उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जाए मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं तो मांगने बारे में रहीम कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है तो ये आपको एक ही प्रश्न आपने लिखना है और ये प्रश्नों के उत्तर आपको ही लिखने अपनी कॉपी में जो विस्तार से लिखने हैं वो कि स्वाध्याय पूरा आपका होमवर्क है